देखिए केंद्र सरकार CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया जाएगा। शाह ने यह भी कहा है कि चुनाव से पहले CAA पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। संभावना है कि जनवरी या फरवरी में CAA के नियम लागू कर दिए जाएंगे। CAA कानून 2019 में संसद से पास हुआ था। इसी बीच देखिए अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई थी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा था कि बीजेपी की नीति ध्रुवीकरण कर राज करो की है। वहीं TMC का कहना है कि ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने CAA लाया है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है नागरिक संशोधन अधिनियम। ये कानून तीन पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। CAA के तहत तीन देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों मसलन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। ये नियम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों पर लागू होगा। गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों में ढील दी गई है। इस कानून में किसी भी भारतीय चाहे वो किसी मजहब का हो उनकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो देखिए CAA कानून दिसंबर 2019 में दोनों सदनों में पास हुआ था। इस कानून में किसी की भी नागरिकता छीने जाने का प्रावधान नहीं रखा गया है, ये स्पष्ट कर दें आपको। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें तीन देशों के अल्पसंख्यकों की नागरिकता देने की बात कही गई है। साथ ही इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता पाने के लिए 5 साल से भारत में रहने की शर्त भी रखी गई है। नागरिकता दिए जाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नहीं देने होंगे कोई भी दस्तावेज। इसके अलावा 9 राज्यों में जिला के DM को नागरिकता देने का अधिकार होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर CAA पर मुस्लिम संगठन क्यों विरोध कर रहा है। देखिए मुस्लिम संगठन ने CAA के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। समानता के अधिकार को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही संगठन ने तीन देशों के मुस्लिमों को भी नागरिकता देने की मांग की है। अब ये जानते हैं कि CAA का संशोधन कब हुआ। देखिए CAA का संशोधन 1986 में पहली बार हुआ, उसके बाद 1992 में हुआ, फिर 2003 में किया गया, फिर 2005 में हुआ, 2015 और आखिर में 2019 में किया गया। तो गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों को विस्तार से जवाब दिया है। पहला सवाल, क्या CAA से भारतीय हिंदू मुस्लिम प्रभावित होंगे? तो गृह मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता से CAA का वास्ता नहीं है। दूसरा सवाल पूछा गया, CAA किस पर लागू होता है? तो ये नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी पर लागू होता है। तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुस्लिमों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? तो गृह मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि तीनों देशों के मुसलमानों पर नागरिकता हासिल करने की वर्तमान कानूनों की प्रक्रिया लागू है। चौथा सवाल पूछा गया, क्या CAA धीरे धीरे भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छीनेगा? तो इसका जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। CAA का भारतीय नागरिकता पर मतलब भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पांचवा सवाल पूछा गया, क्या CAA के बाद NRC की प्रक्रिया शुरू होगी? तो गृह मंत्रालय ने कहा कि वो CAA का NRC से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तमाम सवालों के जवाब जो है वो अमित शाह ने दिए हैं।